आगरा भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाते हुए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान किया। पार्टी के ब्रज क्षेत्र कार्यालय जयपुर हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में 85 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का फूल मालाएं पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को संबोधित करते हुए 25 जून 1975 को कांग्रेस द्वारा लागू देखिए भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के आजाद भारत का जो सबसे काला अध्याय रहा, आपातकाल सन 1975 25 जून को काला दिवस के रूप में आपातकाल को मनाया जाता है। और लोकतंत्र सेनानी जो उस समय जेल में रह के जिन पे यातनाएं सही और जिन्होंने इस आपातकाल और इस लोकतंत्र की आवाज़ को उठाने का काम किया था, ऐसे जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जेलों में रहे, यातनाएं सही, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आगरा महानगर की ओर से सम्मानित करने का काम किया गया। उसमें हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। और इस बात से समझने की यही है कि एक राजनीतिक पार्टी का चेहरा, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय भी उनका एक ही मुद्दा था कि किसी न किसी तरीके से देश के अंदर राज करना, परिवारवाद, जातिवाद और देश को बांटने का काम। और यही इसी आपातकाल से जब जनसंघ ने जनता दल के संग मिलकर पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने जनता जनसंघ और जनता दल आपस में जब विलय हुआ और इंदिरा गांधी कांग्रेस को हराकर जब सत्ता में आए, और तब ये देखा गया कि जब अपने सिद्धांतों के संग समझौता करना पड़ेगा, तब उस सत्ता को भी त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1900 भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष लोकतंत्र के रक्षकों का स्वागत करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर इकाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस 25 जून को हर वर्ष वो लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करके लोकतंत्र बचाने का और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संकल्प लेने का कार्यक्रम करती है, क्योंकि देश में अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र के लिए काम करती है। शेष दलों की तो स्थिति ये है कि वो देश को मौलिक अधिकारों के समाप्त, देश में मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाले, देश में लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस की आज़ादी को समाप्त करने वाली कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं। और ये कांग्रेस तो वो पार्टी है, वो दिन हमको ध्यान है, 12, 13, 14, 15 जून 1975, जब 12 जून को जगमोहन लाल जी सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव रायबरेली को रद्द किया था, उस समय यही कांग्रेस के लोग, युवक कांग्रेस के गुंडे हिंदुस्तान की सड़कों पर डंडे लेकर निकले थे, संवैधानिक संस्थाओं को सीधी चुनौती दी थी, जगमोहन लाल जी सिन्हा जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की थी इन कांग्रेस के लोगों ने। और आज ये कांग्रेस के लोग न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थाओं की बात करती है, ईडी की बात करती है, बस फर्क इतना है उस समय कांग्रेस के गुंडों के हाथ में डंडा था और आज कांग्रेस के लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को बचाने के लिए झंडा लेकर चल रहे हैं, उस समय डंडा आज डंडा, इतना अंतर है। और जो लोग कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली बसपा भी थी, कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली सपा भी थी, ऐसे दल जो कांग्रेस से हाथ मिलाती हैं वह भी लोकतंत्र विरोधी की श्रेणी में ही आते हैं। मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को
बधाई देना चाहता हूँ और लोकतंत्र सेनानियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञों को भी वह प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी केवल एक बात कि मुझे क्या मिला, मेरे लिए क्या। ये लोकतंत्र सेनानी वो हैं जिनको मिलने की कोई संभावना ही नहीं थी, जेल से छूटने की कोई गारंटी नहीं थी, ये वो लोकतंत्र सेनानी है। इसलिए लोकतंत्र सेनानियों से मेरा आग्रह है कि वो नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरणा देने का भी काम करें, ऐसा मेरा।